अब्दुल्ला न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा में भाजपा की जीत का अनुमान। एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में त्रिशंकु विधानसभा के आसार नजर आ रहे हैं, जहां भाजपा 164 से 210 सीट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। वहीं अधिकतर अनुमानों में पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच कड़ी टक्कर दिखाई जा रही है। एग्जिट पोल में उत्तराखंड में भाजपा की जीत का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं भगवा पार्टी गोवा में भी बढ़त हासिल कर सकती है, लेकिन बहुमत से दूर रह जाएगी। टाइम्स नाउ VMR चुनाव सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में भाजपा को 190 से 200 सीट मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं टीवी MRC ने भाजपा को 185 सीट और ABP लोक नीति CSDC ने पार्टी को 164 से 176 सीट मिलने का आसार व्यक्त किया है। भाजपा अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती है तो 15 वर्ष बाद वह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस राज्य की सत्ता पर काबिज होगी। तीनों अनुमानों में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को क्रमशः 110 से 130, 120 और 156 से 169 सीट दी गई है। वहीं मायावती की पार्टी बसपा को 57 से 74, 90 और 60 से 72 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। पंजाब में 117 सीटों पर इंडिया टुडे एक्सेस एग्जिट पोल में कांग्रेस को 62 से 71 सीट मिलने की बात कही गई है, जो कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 42 से 51 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। बहरहाल इंडिया टीवी सी वोटर ने आपको 59 से 68 सीट मिलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कांग्रेस को इसने 41 से 49 के बीच सीट दी है। इंडिया न्यूज, MRC और News24 चाणक्य ने दोनों दलों को क्रमशः 55 और 54 सीटें दी है। उत्तराखंड में भाजपा सत्ता में लौट दिख रही है। वहीं इंडिया टुडे और News24 ने पार्टी के लिए आसान जीत का अनुमान जताया है। दोनों सर्वे में इसे क्रमशः 46 से 53 सीट और 53 सीट मिलने की बात कही है, जो 70 सदस्यीय विधानसभा में पूर्ण बहुमत का आंकड़ा है। बहरहाल इंडिया टीवी ने दोनों दलों को क्रमशः 29 और 35 सीट मिलने का अनुमान व्यक्त किया है। इंडिया टुडे ने 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में भाजपा को 18 से 22 सीट मिलने की संभावना जताई है, जबकि कांग्रेस को 9 से 13 सीट मिल सकती है। वहीं इंडिया टीवी ने त्रिशंकु विधानसभा के आसार जताए, जहां भाजपा को 15 से 21, कांग्रेस को 12 से 18 सीट मिल सकती है। मणिपुर में एक सर्वेक्षण में भाजपा की जीत बताई जा रही है, तो दूसरे में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमेरिकी जनरल का दावा, परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है भारत पाक संघर्ष। नेपाल में बस दुर्घटना, 25 की मौत। रेलवे पानी की खपत में लाएगा 20% कमी। बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागी स्वामी ओम ने मांगी अग्रिम जमानत। और स्विट्जरलैंड में कैफे में गोलीबारी, 2 की मौत।